अलगम एवरीवन होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे सो so, ये है बैग ब्लैक कलर की पॉटरी के अंदर क्या है तो इस पॉटरी में बेसिकली ये है कि ये शॉपिंग है मेरी सिस्टर शॉपिंग कर कर आई थी बेबी के लिए तो ओ, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और मैं भी साथ साथ देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं बिसमन रहीम आवाजें तो बड़ी प्यारी प्यारी सी आ रही हैं ये मुझे महसूस हो रहा है कुछ ओके सो हेयर कम द रैटल टॉयज़ यहाँ पे डिफरेंट तरह के रैटल टॉयज़ हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं बच्चों के लिए जब आप कोई टॉय लें तो देखें उनके कलर्स बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए शार्प कलर्स हों लेकिन आपके टॉयज़ की शार्प एजेस ना हो तो so, ये है रेटल टॉय क्योंकि घर में जो छोटू सा बेबी है वो इसकी आवाज़ से काफ़ी अब जो है वो मतवा होगा और शायद रोना शोना भी कम कर दे बेबीज़ के लिए ऐसे टॉयज तो बहुत ही अच्छे रहते हैं तो हम लोग पहले भी बेबीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे रेटल टॉयज़ और वो वाकई में बहुत इफेक्टिव होते हैं आप लोगों का रेटल टॉयज़ को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है ओके जी और इसके अंदर कहाँ कहाँ है सामान निकालना मुश्किल हो जाता है एक हैंड से ओके 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 सो वो लेकर आई हैं जॉनसन्स सैन जॉनसन्स की बेबी वाइफ्स जॉनसन्स की बेबी वाइफ्स बहुत ही अच्छी हैं इवन सम ऑफ द टाइम्स मैं खुद भी ये जो है ना वो यूज़ करती हूँ अपने मेकअप रिमूविंग के लिए और फीमेल्स के लिए तो डिफरेंट वाइप्स आती ही आती हैं बट ये जॉनसन्स की अगर मैं बात करूँ ना तो स्किन को बिल्कुल हार्श नहीं रहती उस पर आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है तो बेबीज के लिए आप जब भी वाइप्स लें तो कोई अच्छे ब्रांड की ही लिया करें सो हेयर इट कम्स जॉनसन्स बेबी वाइप्स तो ये हमारे पास हो चुके हैं टू प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट्स के बाद बार आती है आती है इश्की जी सॉक्स सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं बेबीज़ की लाइफ में स्पेशली अगर विंटर्स हों तो, तो सॉक्स की जितनी भी वैराटी हो कम है तो मतलब सॉक्स बहुत सारी होनी चाहिए आप लोगों के पास ताकि बेबी के पाँव ठंडे ना हो हाथ और पैर ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं सो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं एरियाज से जो है वो आपकी बॉडी को लगती है सर्दी तो बच्चों का ख्याल रखें और सॉक्स लें अच्छा सॉक्स में आपके पास डिफरेंट वराइटीज़ जैसे कि ये पैक आप देख रहे हो थ्री का पैक है ये तो मैं पर्सनली ख़ुद भी प्रीफर करती हूँ कि पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए या प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल आपको मिल जाए जैसे जो टॉवल्स वगैरह होते हैं बच्चों के या बिब होती हैं वो भी मैं वही पसंद करती हूँ जिसमें एक पैक के अंदर मल्टीपल हो जाए क्योंकि ये चीज़ें फ़ौर से ख़राब होनी होती हैं और आपने इसको चेंज करना होता है बार बार इसको फ़ौर से वॉश करके आप पहनाने तक का वेट करो या एक दो रखो या लिमिटेड हो आपके पास तो वो थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लमैटिक होता है हम तो बड़े ह्यूमन बींग्स होते हैं अडल्ट होते हैं हमारा काम चल जाता है बट बच्चों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सारी होनी चाहिए क्योंकि जितनी ये छोटी हैं ना इन्होंने गुम भी जाना होता है तो फिर एक आपको कभी किसी दिन मिलेगी कभी किसी दिन कोई और मिलेगी अच्छा जी इनको भी हमने साइड पर कर लिया और बताओ ब्लैक पटारे तुम्हारे अंदर क्या छुपा है अरे वाह जी वाह जैसे मैंने बिब की बात की तो अंदर से भी निकली है बिब अच्छा जी इस बिब की खासियत ये है कि ये है बड़े ही खूबसूरत रंगों में माशाल्लाह। आई एम जस्ट लविंग इट इसके कलर्स बहुत ही प्यारे हैं वाकई में मतलब देख के दिल गार्डन गार्डन टाइप हो गया है मेरा तो और एक है बड़ा प्यारा सा ये रेड है कि रेडिश सा कुछ कलर है अच्छा इसकी स्टफ़ शायद आपको लग नहीं रही होगी मतलब कैमरा पे समझ नहीं आ रही होगी बट मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसको देखा अभी इसकी जो है वाटर रेजिस्टेंट है मतलब इसके बाद पानी गिरेगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी पानी ऊपर ही रहेगा आप इजीली इसको वाइप आउट कर सकते हो ये इस तरह वाली बिब है वो वेट्रस टाइप मटेरियल नहीं होता ये वाला ये वो वाला मटेरियल है ये बहुत प्यारा है ये वो वाला नहीं है जिसमें पोरस नेचर का होता है और वो पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है ये वैसा वाला नहीं है सो इट मीनस जितना मर्ज़ी दूध गिरा लो टेंशन हमको को कोई नहीं होने वाली सो so जब भी आपने सामान खरीदना तो आपने इन चीज़ों को फोकस करके लेना है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना आएँ अच्छा जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं देखते हैं पटारे में से क्या निकल रहा है अरे वाह ये तो कोई बड़ी सी चीज़ आई है ओ हो हो हो, हो। सो जी आप ही ने तो बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है और वो ले आई हैं ये अच्छा ये हैंगर्स का जो स्टैंड होता है ना ये बहुत ही अच्छा होता है आ, ये वाकई में ही लॉन्ग लास्टिंग और हीट प्रूफ होता है ये इसको तो वो अपने बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर रही हैं और ये आ, मैं तो कहूँगी कि मैजिकल है ये भाई आपने कपड़े सुखाने होते हैं बच्चों के कहाँ सुखाएँ भाई एक तो उनके कपड़ों के कुछ कलर लाइट होते हैं और वो गंदे जल्दी होने का जो होता है वो अंदेशा होता है तो सबसे बेस्ट यही होता है कि जी आप ये हैंगर यूज़ करें आप इसके ऊपर जो है ना चुटकियों का इस्तेमाल करें हैंग करें क्लोथ्स धड़ 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 उनको सुखाएँ ये बेस्ट है जी इसका तो कोई नीमुल बदल ही नहीं है ये इंपॉर्टेंट चीज़ों में से तो लगता है कि शॉपिंग बहुत ही ध्यान से की गई है नाओ हेयर कम्स द फीडर कवर अच्छा इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पता ही है कि फीडर शीडर को नज़र शजर लग जाती है पहले मुझे इस बारे में पता नहीं होता था लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हैं तो अब पता चलना शुरू हो गया तो ये फीडर कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आ, बहुत ही खूबसूरत सा फीडर कवर है ख़राब नहीं होता जल्दी और ये आपके फीडर को अच्छे से कवर कर लेता है तो मिल्क की जो क्वांटिटी वगैरह होती है उसको ये कवर करता है इसके अलावा अगर मिल्क ज़्यादा हॉट हो तब भी आराम से कवर करता है आपने कहीं लेकर जाना है बेबी को और फीडर कैरी करना है तो इसके अंदर रख के आप लेके जा सकते हैं वो अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद भी है और इसमें शिका निकले हैं इसमें से निकले हैं जूते इसमें से निकले हैं बहुत प्यारे जूते इसमें से निकले हैं जी ऑरेंज कलर के शूज़ और ऑरेंज जो है वो सिस्टर का फेवरेट कलर है तो उन्होंने जिसको गिफ्ट करना है तो ये उनको ऑरेंज कलर मतलब बेस्ट है उनके लिए ना उनको तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये सो ये वाला जो ऑरेंज कलर के शूज़ हैं ये तो मुझे भी बहुत पसंद आ गए मेरा तो खुद दिल कर रहा है मैं इसको पहन लूँ तो ये बड़े ही खूबसूरत से शूज़ हैं जब ये पहनेगा बेबी तो और मेरे पास अगर फ़ोटो आई उसके पाँव की तो मैं शेयर करूँगी और क्या है जी सेफ्टी पिन्स तो ये जब आप बेबी को रैप कर लेते हो टाइटली उसके बाद आप इसको जो है वो लगा सकते हो पिंस तो इनकी भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है ये डिपेंड करता है मैं वैसे बेसिकली ये यूज़ नहीं करती मैं ख़ुद ही उसको टाइटली रैप कर लेती हूँ बट ये अच्छी रहती हैं क्योंकि इससे वो बेबी जो है ना वो बार बार ओपन अप नहीं होता रहता उसकी क्लॉथिंग ओके सो हेयर कम सटीथर बच्चों की बहुत बड़ी निसेसिटी क्योंकि बच्चों ने निकालने होते हैं दान जिसमें होती है उन्हें पेन और अगर आप उनके माउथ में फिंगर डाल दो तो यकीन माने वो इतना ज़ोर से बाइट करते हैं ना कि आपके चौदह तबक रोशन हो जाते हैं मेरे अपने हो जाते हैं भाई मैं अपने घर की जो पहली बेबी है ना मेरी तो उसको मैं माउथ में डाल देते होते तो ओए होए सो पावरफुल बाइट होती है उनके तो लग पता जाता है मतलब रोना शोना आ जाता है आपको तो वो नहीं अगर आप चाहते तो आप ये डालें वो टीथर उन्होंने यूज़ किया है नी उस बेबी ने आई डोंट नो वाई बट उसने टीथर यूज़ नहीं किया सो so, ये देखें जी सिस्टर ने ख्याल किया है उसने कहा बचपन से मैं टीचर दे देती हूँ तो दाँत आने से पहले ही प्रैक्टिस हो जाए अच्छा कुछ बच्चों के दांत नहीं भी आ रहे होते ना वो भी टीथर यूज़ करवाते हैं उनको इसीलिए ताकि उनके दांत आ जाएं जल्दी से तो ये मुझे अब लग रहा है शॉपिंग ख़त्म हो गई है सो हमने शॉपिंग बैग को चेक कर लिया है अब ये शॉपिंग ख़त्म हो गई है सारी चीज़ें मैं सामने रख देती हूँ ताकि ओवर हो जाए और आप लोग देख लें ये सारी प्यारी प्यारी सी शॉपिंग आई थी अभी तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ शेयर करती हूँ सो ये है बेबी की शॉपिंग बेबी की इनिशियल शॉपिंग्स में से एक ये है जो कि बड़ी ही प्यारी सी आना ने दी है बड़ी आना ने आई वुड से ये जी ये रहा सारा का सारा सामान अगर आपको आज के वी पसंद आया हो और सामान स्पेशली पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए कमेंट करना चाहें तो शौक से करें यू गाइज आर मोर देन वेलकम मुझे दीजिए इजाज़त अपना रखिए ख्याल अल्लाह हाफिज़